राधा मैं जा रहा हूं, बड़ी उदास से हाथ भगवान, आज मैं जा रहा हूं। राधा की समझ में आ गई, राधा कह रही मत जाओ। राधा बोली मत जाओ। अरे राधा अब समय आ गया मुझे, अब मैं जा रहा हूं। राधा बोली मत जाओ। अरे राधा मुझे लगता है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। भगवान कृष्ण राधा से कहते हैं कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इसलिए तुम मेरी याद मत करना। भगवान बोले तुम कभी मेरी याद मत करना, क्योंकि मैं वापस आ नहीं पाऊंगा। हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, एक बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। आज राधा जी कहती है इसे कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं, क्यों भूल जाऊं। आज राधा जी बड़ी, जब से राधा जी ने सुना है कि कृष्ण हमेशा के लिए ब्रज छोड़ के जा रहा है, तो मानो ऐसा लगा जैसे राधा जी के हृदय पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मार दिया, बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मारा हो। आज राधा जी बोली अरे कृष्ण तुझसे मैं एक बात बोलूं, एक बात कहूं। कहा बोलना। लोग कहते थे कि ये छलिया है, लोग कहते थे छलिया है, इसे कभी दिल मत लगाना, इसके चक्कर में मत पड़ना। अरे कृष्ण लोगों की मैंने कभी परवाह नहीं की, लोगों की कभी मैंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पर, अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा था कि कृष्ण किसी से प्रेम करता हो या ना करता हो, वो मुझसे प्रेम करता है। मुझे भरोसा था, मुझे बहुत भरोसा था। अरे कृष्ण मुझे बहुत भरोसा था। आज राधा जी कहकर इतना रोने लगी, रोते रोते राधा बोली कि अरे कृष्ण एक बात बता, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, पर मैंने आज तक तुम्हें भगवान नहीं माना। चलो मैं आज लोगों की मान लेती हूं कि तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो तो मुझे एक बात बता दो कि जीव के मरने के बाद में क्या दोबारा उसे जन्म मिलता है, दोबारा जन्म मिलता है? काफी राधा, हाँ मिलता है उसे जन्म मिलता है। आज रोती हुई राधा क्या कहती है कि अगर मुझे और जीव मरता है और अगला जन्म मिले तो राधा रोती रोती क्या बोली, एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखना। प्रेम में पीड़ा उसी को होती है ज्यादा जो जिससे ज्यादा प्यार करता है, उसको पीड़ा होती है। राधा जी इतना कहकर चुप हो गई। कहा कि अगर मैंने मन से तुमसे प्यार किया है और मुझे अगला जन्म मिले और तुझे अगला जन्म मिले तो एक बार राधा की जगह एक बार मुझे कृष्ण बनाना और तुम एक बार राधा बन के देखना, तुम राधा बन के देखना। क्या बोली,
बनोगी राधा। बनोगी राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। बनोगी राधा तो जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। मेरे प्रेम का एहसास नहीं हो पा रहा, जिस दिन तुम राधा बनोगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा। क्या ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, जिस घड़ी जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो, मैंने तुम्हें याद ना किया हो। क्या कहती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा कितना जलता है दिल, क्यों आंखें रोती हैं कहीं आंसू, कहीं आंसू। तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। कृष्ण
क्या बोली राधा, जब कोई सुने गाना मेरे मन के टुकड़े को, कौन सुन सुन करके होगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना मेरे मन के टुकड़े को, जब ताने सुन सुन करो होगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना मेरे मन के टुकड़े को, तब ताने सुन सुन करो होगे दिल के टुकड़े। सुनो गाने सुनोगे ताने, तब ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। अरे कृष्ण कितना याद किया, कितना तड़पाया तूने मुझे, कितना तड़पाया और तू कितना तड़पाएगा मुझे। बार बार कहता है मैं जा रहा हूं जा रहा हूं, कितना तड़पाया तूने मुझे। एक दिन तू बता दे जिस दिन मैंने तेरी याद ना करी हो, वो घड़ी बता दे जिस दिन मैंने तेरे नाम को ना जपा हो। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर स्थिति अवस्था में मैंने तेरा ध्यान किया है, और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। क्या तेरा यही प्यार है, क्या इसी को प्यार कहते हैं? एक बात बता कृष्ण, क्या यही प्यार है, इसी को प्यार कहते हैं? कहा नहीं यमुना किनारे तुझे मैंने बुलाया, तू नहीं आया। वृक्ष के निकट बुलाया तू नहीं आया, क्या इसी को प्यार कहते हैं? क्या कहती है राधा? पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, श्याम तेरे खातू वो घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरे खातू वो घुट घुट के मरना। पनघट पर मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरे खातू वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार जानोगे कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
राधा कहती है कृष्ण तुझे जाना है तो तू चला जा, जाना चाहता है तू चला जा, पर बार बार मत कह कि मैं जा रहा हूं जा रहा हूं। अरे तू चला जाएगा तो तेरी याद में हम जी लेंगे, याद में जी लेंगे। जैसे ही भगवान कृष्ण पीठ दिखाकर चले हैं आगे, जैसे ही मेरे गोविंद चले हैं, इधर राधा जी जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। भगवान दौड़ के आए वापस आज अपने पीले पीतांबरी से, मेरी राधा जी की नेत्रों से जल की धारा पहुंच रही। आज मेरे गोविंद बोले कि राधा रो क्यों रही है तू, क्यों रोती है तू, मैं आ जाऊंगा रो मत। तुम याद न आया करो, याद न आया करो, याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, याद न आया करो। राधा जी कहती है तू चला जा, अब मैं रोऊं या हंसूं वो मुझ पर छोड़ दे, तुझे जाना है तो तू चला जा। अब भगवान कहते कैसे चला जाऊं, जिस राधा को मैं देख कर जीता हूं, जिस राधा के बिना मैं अधूरा हूं, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, वो भी उस राधा को, वो तब लगता कैसे छोड़ दूं मैं। आज भगवान कहने लगे कि राधा तू एक काम कर, तू कुछ मुझसे मांग ले, तू कुछ मांग ले। आज राधा जी कहने लगी अरे छलिया, अरे कृष्ण तू कुछ देना चाहता है, अगर कुछ देना चाहता है तो मेरे मन में एक बात है, लंबे समय से मेरे मन में एक बात चल रही है। बोला क्या क्या? राधा जी बोली मेरी एक तमन्ना है घर घर से जन्म मिले, मेरी एक तमन्ना है घर घर से मैं श्याम बनू तेरा तू राधा बन के जिए, मेरी एक तमन्ना है घर घर से जन्म मैं श्याम बनू तेरा तू राधा बन के जिए, मेरी एक तमन्ना है हर घर से जन्म मिले मैं शाम बनू तेरा तू राधा बन के जिए, मेरी एक तमन्ना तेरा तू राधा बन के जिए, बनोगे राधा बनोगे राधा तभी जानोगे कैसा प्यार है मेरा सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज मेरे गोविंद राधा को समझा कर मना कर चल दिए। अगले दिन सुबेरे सुबेरे मार्ग में गोपियों ने प्रभु का मार्ग रोक लिया, प्रभु का मार्ग रोक लिया। गोपियां कहने लगी प्रभु से क्या यही प्यार है,
बड़ी बड़ी बात करते हो तुम, क्या यही प्यार है? इसी को प्रेम कहते हैं? बिना बताए चले जा रहे हो। अब भगवान मुस्कुराते बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आने ही वाला था, इतने में आप सब आ गए। भगवान ने बात घुमा दी, मैं आने वाला था, इतने में आप सब आ गए। ताकि मामा जी के यहाँ पे धनुष यज्ञ है, मामा जी ने स्पेशल चाचा जी को भेजा है, हम जा रहे हैं, कल परसों में आ जाएंगे। एक गोपी इतने में दो कदम आगे आई और कहने लगी, अच्छा बड़ी आसानी से कह दिया कि परसों आ जाएंगे, परसों तक अगर हम ना रहे तो, अगर परसों तक हम ना रहे तो। बोला तो? भगवान बोले तो तुम जानो। आज भगवान बोले तो तुम जानो। बोला अच्छा बड़ी आसानी से कह दिया तुम जानो, ऐसे कैसे। आज भगवान ने गोपी को बड़ा समझाया, कहा कि रे गोपी परसों आ जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, जाने दो हमें। गोपियों को समझाकर भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मार्ग रोक लिया ग्वालों ने मार्ग रोक लिया। आज ग्वाल बाल कहते कि रे सारे मित्र कहता है तू हमको, है हमने खाया साथ में, खेले साथ में, गैया चराने साथ गए, और जब आज मामा के यहाँ जाने की बात आई तो अकेले। भगवान बोले अरे मेरे मामा जी बहुत धनी हैं, धनवान हैं, कोई उनके यहाँ कमी दमी नहीं है, चलो आ जाओ सब लोग। सब सारे ग्वाल बाल को रथ पे बिठा लिया भगवान ने। आज रथ पर अरुण होकर ग्वाल बाल के साथ में मेरे गोविंद आज पहुंचे हैं मथुरा। मथुरा पहुंचे, जब मथुरा पहुंचे तो पहली बार, अब सोचो कि पहली बार कोई गांव से आए शहर में।